ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है शिवपुरी में, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं आइए सुनवाते हैं। स्वागत, मैं हृदय का ऋणी हूं, शिवराज सिंह जी हृदय के ऋणी है, प्रीतम सिंह जी हृदय के ऋणी है, और जो इस पिछोर की जनता का सदैव प्यार और आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मैं जिंदगी भर आप सब लोगों का ऋणी हूं और ऋणी रहूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। ये वो पिछोर है जिस पिछोर के साथ एक बहुत पुराना संबंध सिंधिया परिवार का रहा है। इसके पग पग में, इसके गांव गांव में, इसके सड़क सड़क पर विकास की एक एक इमारत सिंधिया परिवार के परिजनों के द्वारा सदियों में लिखी गई है। मेरे भाई और बहनों, यहाँ के सड़कें मुझे याद है, जब मैं यहाँ आया था पहली बार, सड़क कहाँ थी, गड्ढे कहाँ थे, हमें ढूंढने पड़ते थे। हजारों करोड़ों के सड़क, चंदेरी से पूर्व मार्ग, हमारा पिछोर से खनियादाना का 16 किलोमीटर का मार्ग, करेरा से बामोर कला से पिछोर से खनियादाना से होते हुए चंदेरी का, जो आपने कल्पना नहीं किया था, 75 करोड़ की 70 किलोमीटर की मार्ग आप लोगों के लिए प्रशंसा करके हमने दिलवाई थी। इस पिछोर क्षेत्र में विद्युतीकरण, एक एक गांव, एक एक टपरे में डीपी लगाने का कार्य, तार लगाने का कार्य, खंभा लगाने का कार्य, एक एक गरीब के मोहल्ले में भी ज्योति का प्रकाश पहुंच पाए, उस संकल्प को हम लोग ने बिल के पूरा किया था। और आज जब शिवराज सिंह जी आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए हैं, आए हैं तो 400 करोड़ रुपए की विकास की योजना साथ में लेके आए हैं। मुझे याद है ये पिछोर में स्वास्थ्य की सुविधा की किल्लत, हमारा क्षेत्र का पीएचसी सीएचसी में सुविधा नहीं होती थी। आज 100 बिस्तर का अस्पताल शिवराज सिंह जी लेके आए हैं 50 करोड़ रुपए का, ताकि पिछोर की जनता को कभी शिवपुरी न जाना पड़े और यही इलाज होए। अरे तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद अर्पित करें। और जहां अस्पताल बनने जा रहा है, वही अस्पताल के साथ साथ संगठा का मध्यम सिंचाई परियोजना, कोई 5 करोड़ का नहीं, कोई 40 करोड़ का नहीं, कोई 50 करोड़ का नहीं, लेकिन 150 करोड़ रुपए का सिंचाई की योजना बनाई जा रही है। मेरे पेछोर को शिवराज सिंह जी और हमने संकल्प लिया है यहाँ के सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ कि पंजाब की तरह हम हरी भरी बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। मेरे भाई और बहनों, राजघाट से पानी लाने का कार्य हुआ, आज सेंगटा से पानी लाने का कार्य हो रहा है। 4,500 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, करीब करीब 10,000 किसान जिनको कभी भी पानी अमृत समान नहीं मिलता था, आपके खेत मेरे पंजाब के खेत से ज्यादा हरे भरे होके यहां तैयार हो जाएंगे। तो तालियों की गड़गड़ाहट से शिवराज सिंह जी को धन्यवाद दिया जाए। और यही भारतीय जनता पार्टी है मेरे भाई और बहनों, जो कहती है करके दिखाती है, जो कहा भी नहीं वो करके दिखाने की क्षमता रखती है। एक तरफ केंद्र में नरेंद्र मोदी, जिन्होंने भारत का तिरंगा भारत में केवल गाड़ के नहीं रखा, विश्व में गाड़ के नहीं रखा, लेकिन आज तो चंद्रयान के दौर पर हमारा भारत का तिरंगा चांद में गाड़ने का काम कर रहे हैं मोदी जी। और दूसरे तरफ प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, जो एक एक गरीब, एक एक बेसहारा, एक एक शोषित वंचित पीड़ित के लिए दिन रात कार्य करने के लिए एक दम लगे हुए हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दिया जाए। आज मैं अपनी लाडली बहना का भी और हमारी लाडली लक्ष्मियों का भी झुककर मैं प्रणाम करता हूं, जिस बेटी के बारे में कभी सोचा नहीं जाता था, जिस प्रदेश में एक जमाना था जब सोचा जाता था कि बेटी बोझ है, वो एक ही सिपाही एक ही भाई आगे आकर पहली लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की,
कि जब बेटी पैदा हो घर के अंदर तो केवल बेटी नहीं लेकिन लखपति लक्ष्मी समान रूप बेटी घर के अंदर पैदा हो। एक एक कदम उठाया गया महिलाओं के उत्थान के लिए। और अब जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तो लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपया हर माह मेरी बहना के खाते में मेरे बहनों के भाई शिवराज सिंह चौहान ने पहुंचाने का कार्य किया है। मेरे भाई और बहनों, ये पिछोर की ताली नहीं सुनाई दी मुझे, मुझे वहां स्टैंड से पीछे से पिछोर की ताली या अब दाएं से ताली, बाएं से ताली, पीछे से ताली। 1,25,00,000 बहनों को। और पिछोर में हम बात करें तो 60,000 लाडली बहना के खाते में 1,000 रुपया हर महीना पहुंचाया जा रहा है। और वहां बैठी हुई जोड़ी, छोटे भाई, अरे बोलो मेरे साथ छोटे भाई, वो कहते हैं शिवराज जी ने 1,000 दिया तो हम 1,500 देंगे। ये वो कांग्रेस है जिसने कहा था, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ और किसानों के साथ मेरे अन्नदाताओं के साथ वादा खिलाफी की। जो मेरे अन्नदाताओं से वादा खिलाफी करेगा उसे धूल चटाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। जो किसानों के साथ वादा खिलाफी की, 25,00,000 तामपत्र झूठे। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से बड़ी खबर की बात करते हैं। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई होगी। बता दें सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर 1 सप्ताह के भीतर सुनवाई के लिए सहमत हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 में नौकरियों और शिक्षा में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 1 हफ्ते के भीतर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर अर्जी दाखिल कर रखी है। एक और बड़ी खबर दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना की वैधानिकता का परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कुछ ट्रांसपोर्ट यूनियन ने मध्य प्रदेश सरकार की योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार की योजना को दी है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना की वैधानिकता का अब परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मध्य प्रदेश सरकार की योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बीजापुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर चुका है। सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद किया। बीजापुर गंगालूर मार्ग से आईईडी बरामद किया गया है। किटलेर की पहाड़ी के पास 35 किलो का आईईडी मिला है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लांट किया गया था। प्लास्टिक कंटेनर में सड़क के नीचे प्लांट किया गया था। सुरक्षा बलों ने आईईडी को मौके पर डिफ्यूज कर दिया। एसपी अंजने वाषणे ने इसकी पुष्टि भी की है। ग्वालियर से बड़ी खबर है। देर रात 4 साल की बच्ची का अपहरण किया गया। पड़ोस के रहने वाले सरफरे युवक ने अपहरण किया। सोते समय बच्ची को घर से उठाकर ले गया था बदमाश। नींद खुलने पर बच्ची को तलाशने पहुंचे थे परिजन। आरोपी बच्ची को कैंसर पहाड़ी की झाड़ियों में फेंक कर भाग गया था। घायल हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाका चंद्रबदनी इलाके की घटना है। सीसीटीवी में कैद हुई है
बच्ची के अपहरण की घटना। झांसी रोड थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई। जबलपुर से बड़ी खबर है, नागपुर की भाजपा नेत्री सना खान हत्याकांड मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। राजेश सिंह और धर्मेंद्र यादव के साथ मिलकर हनी ट्रैप गैंग चलाता था पप्पू उर्फ अमित साहू। पुलिस ने अब तक अमित साहू, राजेश सिंह, धर्मेंद्र यादव और अन्य को गिरफ्तार किया है। भाजपा नेत्री सना खान की मां ने नागपुर पुलिस में शिकायत की। धमकी देकर हनी ट्रैप के लिए दबाव बनाता था आरोपी अमित उर्फ पप्पू साहू। हनी ट्रैप गिरोह में जबलपुर और नागपुर से जुड़े कई लोगों के शामिल होने की भी आशंका है। नागपुर के मानकापुर पुलिस ने एफआईआर में धाराएं बढ़ाई हैं। अवैध वसूली, साजिश रचने और आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है मामला। भाजपा नेत्री सना खान को भी अश्लील फोटो के जरिए आरोपी अमित साहू ब्लैकमेल किया करता था। 22 अगस्त तक नागपुर पुलिस की रिमांड पर है सना खान। सना खान हत्याकांड का आरोपी अमित साहू और पप्पू सना खान के साथ अन्य लोगों के वीडियो बनाने का भी खुलासा हुआ है। जबलपुर और नागपुर में कई प्रतिष्ठित लोगों, व्यापारियों और नेताओं से अवैध वसूली का अंदेशा भी जताया गया है। आइए सीधी लाइव तस्वीरें शिवपुरी की दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। ताकि ये पिछवाड़ की आवाज नहीं है, भारत माता की, पिछौर की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज इस मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय और कर्मठ नेता, आपके सेवक और मध्य प्रदेश से केंद्र सरकार के हमारे ऐसे मंत्री जो मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं, आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ताली जोर से बजे। अरे ऐसे थोड़ी जैसे उनने कहा था, पिछौर की ताली बजा दो एक बार पिछौर की ताली। मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी जो संगठा सिंचाई योजना लेके आए हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई केपी यादव जी, हमारे इस क्षेत्र के घोषित उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के आपके दिलों की धड़कन भाई प्रीतम सिंह लोधी जी, जसवंत जी, रमेश खटीक जी, ओम प्रकाश खटीक जी, बहन नेहा जी, जिलाध्यक्ष राजू जी। अब चूंकि समय की कमी है, सभी पूर्व विधायक साथीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज पिछौर की सड़कों पे जनता ने एक स्नेह का, प्रेम का और विश्वास का नया इतिहास रचा है। जहां देखो जन समुद्र उमड़ रहा था, जनता और माताएं बहने फूलों की वर्षा कर रही थी, मेरी बहनों आपने फूलों की वर्षा करके हमारा स्वागत किया है। हमारा आपको वचन है कि आपकी जिंदगी में कोई कांटे रहने नहीं देंगे। पिछौर वालों, आज जो विश्वास आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर व्यक्त किया है, भाजपा पर व्यक्त किया है, आपने शिव ज्योति पर विश्वास व्यक्त किया है, आपने भाजपा के नेतृत्व पर विश्वास दिया है, मैं भी आज पिछौर में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जान भले ही चली जाए लेकिन आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, कभी खंडित नहीं होने देंगे। आज आपने एक आवाज उठाई पिछौर को जिला बनाने की। भाई बात साफ साफ हो जाए। अरे अब तो मत बोलो, मैं बोल रहा हूं, बात साफ साफ हो जाए। एक वादा तुम करो और एक वादा मैं करता हूं, बोलो तैयार हो तो सुनो।
प्रीतम लोधी को विधायक तुम बनाओ, जिला बना के पिछौर को मैं दूंगा। हो मंजूर तो बोलो हाँ, पीछे वाले भी बोलो हो मंजूर तो बोलो हाँ। तो पिछौर जिला बनेगा, आप चिंता मत करो बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और सिंधिया जी भी जो कहते हैं वही करते हैं। जब उनने देखा कि कमलनाथ जी की सरकार वादे नहीं निभा रही, वचन पूरे नहीं कर रही, और जब वचन याद दिलाए तो उनने कहा कि आ जाओ सड़क पे, तो सिंधिया जी ने वो सरकार गिरा के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सपनों को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया जाएगा। हम विकास के लिए काम करते हैं, हम जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं, और इसलिए जो चीजें आज दिए लगभग 400 करोड़ रुपए की, भाई सामने से हटो ना, जो चीजें चाहे वो संगठित सिंचाई की योजना हो, तुलसी सिलावट जी के लिए भी ताली बजाइए, हमारे सिंचाई मंत्री है, संगठित सिंचाई की योजना हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे यहाँ का सिविल अस्पताल हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूँ। ये मेरी बहन बैठी हुई है, देखो हम सरकार चलाते हैं तो जनता के लिए सरकार चलाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। और आपकी बेहतरी के लिए इसलिए हम काम करते हैं। मेरी गरीब बहनों, किसान परिवार, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनों, कई बार 1,500 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशानी होती थी। बताओ मेरी बहनों, बेटा बेटी अगर गोद में आकर बैठ जाए और माँ से कहे माँ मुझे फिराक दिला दो, माँ मुझे शर्ट दिला दो, तो इच्छा होती कि नहीं बेटा बेटी को दिलाने की? अरे बोल के बताओ, होती है कि नहीं? बहनों जोर से बोलो, होती है कि नहीं? लेकिन जब पास में पैसा नहीं होता और बेटा बेटी की मांग पूरी नहीं कर पाते तो मन में तकलीफ होती है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं? सावन का महीना है, भैया के घर जाना है, और मन में चिंता लगी रहती है, भैया के घर जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी पूछेंगे भुआ जी आई है हमारे लिए क्या लाई है? सही बात है कि नहीं? और जब पैसा मांगती, कई बार पतिदेव से भी मांग लिए कि मायके जा रही हूं पैसा तो दे दो, तो कई बार कह देते है ही नहीं, मैं कहां से दे दूं, जब देखो पैसा ही मांगती रहती है, तो मन में तकलीफ होती है। मेरी बहनों, तुम भी इस देश की नागरिक हो, तुम भी मध्य प्रदेश की रहने वाली हो, मेरा संकल्प है कि बहनों तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। और इसलिए योजना पहले कई बनी, लाडली लक्ष्मी बनी, बेटियों की शादी की कई योजना, आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मेरे मन में एक कष्ट था कि मेरी बहनों की जरूरत कैसे मैं पूरा करूं। अरे भैया तो मैं भी हूं, भैया हूं कि नहीं? अरे उधर भी बहनों बताओ, तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? अरे तुम्हारे बेटा बेटी का मामा हूं तो तुम्हारा भैया हुआ कि नहीं? बोल के बताओ ना, हुआ कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? अरे जोर से बताओ, सगा भैया हूं कि सौतेला? सगा हूं, तो मेरा भी कोई फर्ज है कि नहीं? मैं सोचता रहा लगातार कि अपनी बहनों के लिए क्या करूं, और सोचते सोचते तय किया कि शिवराज अगर बहनों के खाते में हर महीना, साल में एक बार नहीं, साल में एक बार भैया भी देता है, सावन के महीने में राखी बंधवाता है, साड़ी देगा, पैसा देगा और कोई उपहार देगा, लेकिन मेरे मन में लगा कि एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार पैसा देने से काम चलता क्या? और इसलिए मैंने तय किया एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालूंगा, लाडली बहनों के खाते में।
अरे इस पर ताली तो जोर से बजाओ, कोई ने दिया क्या आज तक? बताओ कांग्रेस ने दिया कभी? जोर से बताओ दिया क्या? यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है मेरी बहनें, कितनी है पता है आपको? 125,000,000। कितनी है? 125,000,000 बहनों का भाग्यशाली भाई हूं मैं। ऐसा भाग्यशाली कौन होगा मेरे भाइयों जैसा मैं भाग्यशाली हूं। और 125,000,000 बहनों के खाते में 1,000 डालते हैं तो 15,000 करोड़ रुपया साल भर में डालने पड़ेंगे। कितने डालने पड़ेंगे? कितने डालने पड़ेंगे? अब मैंने कह दिया, अब यह बात पूरी हो जाने दो। देखो बोलो भारत माता की। अब चुप हो ये बार बात नहीं। मैंने देखो ऐसा मत करो, मैंने सबसे पहले इसलिए कहा कि पिछोर को जिला मैं बनाऊंगा, बीच में डिस्टर्ब मत करो नहीं तो मामा वापिस चला जाएगा। फिर बोलो भारत माता की। अब बीच में मत बोलना, मेरी बहनों से बात हो जान दो पूरी, भाई तब तक बीच में नहीं बोलेंगे। अब देखो मैं कह चुका हूं, अब मत करो, ये गलत बात। बोले भारत माता की। और इसलिए हमने तय किया कि बहनों के खाते में हर महीना 1,000 आएगा, और केवल 1,000 नहीं आगे बढ़ा के इसको 1,250 करूंगा, 1,250 से बढ़ा के फिर 1,500 करूंगा, 1,500 से बढ़ा के फिर 1,750 करूंगा, 1,750 से बढ़ा के फिर 2,000 करूंगा, 2,000 से बढ़ा के फिर 2,250 करूंगा, और 2,250 से बढ़ा के फिर 2,500 करूंगा, और 2,500 से बढ़ा के 2,750 करूंगा, और 2,750 से बढ़ा के कितने करूंगा? कितने करूंगा? ये 3,000 रुपया करना है मेरी बहनों। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देना। आखिर हम जिंदगी भर क्या आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम हमेशा गरीबी में रहने के लिए पैदा हुए हैं? मेरा संकल्प है कि अपनी बहनों की जिंदगी से गरीबी दूर करके ही चैन की सांस लेंगे। और इसलिए कांग्रेस की सरकारों में जो पैसा फालतू खर्च कर दिया जाता था, उस पैसे को हम बहनों के खाते में डाल रहे हैं। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 27 तारीख को फिर राखी का त्योहार 30 को आ रहा है, 27 को भोपाल में मैं अपनी बहनों से फिर मिलने वाला हूं, और 27 को आप सब बहनें भी अपने अपने गांव में 1 बजे मुझे सुनने जरूर इकट्ठी होना। सब इकट्ठे हो गए कि नहीं? सब इकट्ठे होंगे तब मैं कुछ और चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी केपी सिंधिया जी भी कह रहे थे, केपी भी कह रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने तय किया है कि किसान की जमीन सूखी नहीं रहने देंगे, सिंचाई का पानी आए इसके प्रयास में हम लगे हैं। इसलिए संघटा और हमारा संकल्प है आने वाले समय में हर किसान के खेत में पर्याप्त पानी देंगे, चाहे कुछ करना पड़े। एक के बाद एक सिंचाई की योजनाएं हम बनाते चले जाएंगे। सड़कें हो, बिजली हो, सिंचाई का इंतजाम हो। कांग्रेस ने कभी किया क्या? कांग्रेस ने केवल जनता का शोषण किया। अभी सिंधिया जी बता रहे थे, हमने तय किया किसान को 0% ब्याज पे कर्जा देंगे। हमने तय किया किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने 6,000 दिए तो मुझे लगा तू भी तो मुख्यमंत्री है, 4 तू भी दे दे। लेकिन बाद में लगा 6 और 4 10 में मजा नहीं आ रहा, सीधे 1,000 रुपया महीना किसानों का भी हो जाए तो छोटे किसानों की जिंदगी संवर जाए। और इसलिए अब 6 प्रधानमंत्री जी देंगे, 6 मुख्यमंत्री देंगे। पहले 2 प्रधानमंत्री जी का आएगा, फिर 2 मुख्यमंत्री का आएगा, फिर 2 प्रधानमंत्री जी का, फिर 2 मुख्यमंत्री का, फिर 2 प्रधानमंत्री जी का, और फिर 2 मुख्यमंत्री का। आप कल्पना तो करके देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
जनता की जिंदगी बदलने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। अरे बहनों और भाइयों, कभी हम सुनते थे रूस चंद्रमा पे अपना यान भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, लेकिन पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में अपना चंद्रयान अब चंद्रमा पर उतरने वाला है। भारत का झंडा विश्व में भी लहरा रहा है और चंद्रमा पर भी लहराएगा। और इसलिए आप देखिए किसानों, गरीबों, नौजवान बेटे बेटियों, मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूं, आप सम्मान की जिंदगी जिए। इसके लिए कई कदम हमने उठाए। हमने फैसला किया मध्य प्रदेश की धरती पर कि अगर मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। बुलडोजर अलग चलेगा। मां बहन और बेटियों का सम्मान की रक्षा हमारा फर्ज है। और एक बात और, बहनों से भी भाइयों से भी साफ सुन लेना, बेटा बेटी की पढ़ाई हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय रहती है, लेकिन मैं मामा हूं। अभी मैंने 12वीं में जिन बच्चों ने 75% नंबर लाए उनको मैंने 25,000 रुपया लैपटॉप के लिए दिए। हमने साइकिल के पैसे बच्चों के खाते में डाले। और परसों 23 तारीख को वो बच्चे जिन्होंने अपने गांव के 12वीं के स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेके आए हैं, उन बच्चों को मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी, ताकि स्कूटी पर बैठकर हमारे बच्चे कॉलेज जाएं। और एक बात और सुनना, मैं कह रहा हूं संकल्प लेके, गरीब हो चाहे किसान हो चाहे और कोई वर्ग का हो, मेरे बहनों और भाइयों, ये बेटे बेटियां मेरे भांजे भांजियां हैं। और इसलिए हमने तय किया है अगर इनकी मेहनत से इनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होता है, देश में हो चाहे विदेश में हो, तो फीस चाहे कितनी भी हो, उन बच्चों की फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मैं बच्चों की जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा। और पिछौर वालों, तुम्हारे जज्बे को देखते हुए मैं फैसला करता हूं कि पिछौर को जिला बनाया जाएगा, जिला बना के पिछौर को सम्मान दिया जाएगा। आप सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है, आप सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है, बहनों से भी, बहनों से भी, अब बहनों से भी और भाइयों से भी, बेटे बेटियों से भी, मुझे बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जो आपका साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? तो मैं आपकी जिंदगी बनाऊंगा, मैं आपका जिला बनाऊंगा। आप भारतीय जनता पार्टी को यहां जिलाओ, आप भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, प्रीतम को आप अपना विधायक बनाओ, मैं बाकी काम पूरे मैं करके आपको दूंगा। बोलो सब तैयार हो तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के आज पिछौर संकल्प लेगा कि हम पिछौर से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ और खड़े होकर संकल्प लेंगे कि पिछौर से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बहनें भी आज खड़ी होके संकल्प लेंगी, अपनी अपनी जगह खड़े होके हम संकल्प लेंगे। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधे और मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। मेरी बहनों, राखी के इस कच्चे धागे की कसम, तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा और पिछौर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने हम सभी के जीवन में नई उमंग, नई क्रांति उत्पन्न की है अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से लिए, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। और अब निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हित लाभ वितरण करने की कृपा करें। आज महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बीच हैं और पिछोर की जनता का
प्यार, सभी जनवासी अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हित लाभ वितरण करने की कृपा करें और मंच पर आमंत्रित करेंगे कुमारी काव्या को, जिन्हें लाली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,43,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती प्रभा लोधी को, जो कि अध्यक्ष आज़ाद संकुल आजीविका मिशन, श्रीमती रजनी राजा सचिव दुर्गा सामुदायिक संगठन से हैं और आपको SRLM के अंतर्गत